आज का मौजू बज़ाहिर बहुत अजीब नज़र आता है, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने अपनी तमाम तर सिफात हर इंसान को दे रखी हैं जिनका जिक्र कुरान में किया गया। अलबत्ता हसद और जलन अल्लाह ताला की सिफत नहीं है, बल्कि ये शैतान की सिफत है, जिसकी वजह से उसने हज़रत आदम के वजूद को चैलेंज कर दिया था। और आज की वीडियो में हम इस सारे मामले को कुरान की रोशनी में समझेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है वसीम अहमद आफरीदी और आप देख रहे हैं अपना चैनल फैमल कुरान। सबसे पहले तो इस मामले को हल कर लेते हैं कि क्या वाकई अल्लाह ताला हमसे ये तवक्कुआत रखता है कि हम अपने अंदर अल्लाह ताला की सिफात को पैदा करें। तो जवाब है जी हाँ बिल्कुल, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह अल बकरा की आयत नंबर 138 में इस तरह से किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर किस तरह से हम अल्लाह ताला के रंग में रंग जाएं। अगर हम गौर व फिक्र करें तो हमें ये नज़र आता है कि कुरान असल में सिचुएशन बेस्ड किताब है, यानी कुरान की तकरीबन हर आयत में किसी ना किसी सूरत हाल का अहवाल खोल खोल कर बयान किया गया है और साथ ही दिलों के हाल भी वाज़े किए गए हैं, ताकि इंसान अपने आप को सूरत हाल का हिस्सा बनाते हुए ये सोचे कि अगर वो सूरत हाल में होता तो वो कैसे सोचता और अमल करता। मिसाल के तौर पर सूरह अशूरा की आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हें जो भी मुसीबत पहुँचती है वो तुम्हारे अपने हाथों के करतूतों का बदला है और वो बहुत सी बातों से दरगुजर फरमा जाता है। अब अगर हम इस आयत पर गौर फिक्र करें तो दरगुजर करने वाली सिफत हम इंसानों में भी इस तरह से मौजूद है कि कई मरतबा हम दूसरे लोगों की कई तल्ख बातों को दरगुजर कर जाते हैं। इसी तरह हम अपनी शख्सियत में कमजोरी की वजह से पैदा हुई खामियों को भी ये सोच कर दरगुजर कर जाते हैं कि ये हमारी शख्सियत का हिस्सा हैं, इसलिए कई मरतबा हालात की मजबूरी के तहत हमें उस तरह से अमल करना पड़ता है जो हमारे नफ्स की पैरवी करता है। और बाद में हमें ये भी नजर आता है कि हमारे इस गलत रवैये की वजह से हमने दूसरों को भी तकलीफ दी और खुद भी तकलीफ में आए। और यही सबक सूरह अशूरा की आयत नंबर 30 हमें दे रही है। और इस मुकाम से खुशनासी का एक दरवाजा खुलता है जो हमें ये बताता है कि किस तरह से हम अपनी इस खामी पर काबू पाते हुए अल्लाह ताला की सिफत को अपने दिल में उतार सकते हैं। और इसी मुकाम से कुरान की दीगर आयात भी हमें रहनुमाई देना शुरू कर देती हैं। आमतौर पर हम अपनी शख्सियत की कमजोरी को दबाने की कोशिश करते हैं ताकि आइंदा हम वो गलती ना दोहराएं, लेकिन इसकी वजह से हमारे अंदर एक प्रेशर बनना शुरू हो जाता है और फिर एक ऐसा वक्त भी आता है कि हम पहले से भी ज्यादा कुव्वत से उस बुराई को फैलाना शुरू कर देते हैं। लिहाजा ऐसे मौके पर कुरान में अल्लाह ताला ने हमें सूरह शम्स की आयात नंबर 7-10 में रहनुमाई दी, यानी अपने नफ्स को काबू करने के लिए इसे दबाने की जरूरत नहीं है बल्कि इसकी सिम तब्दील करने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स की शख्सियत में अना यानी ईगो का प्रॉब्लम है तो वो उसे दबाने की बजाय उसकी सिमत इस तरह से तब्दील कर सकता है कि अच्छे बुरे में फर्क करके किसी अच्छाई की राह को मजबूती से पकड़कर उस राह पर चलना शुरू कर दे और पक्का इरादा कर ले कि इस काम को पाया तकमील तक पहुंचा कर रहेगा। अब इस मुकाम पर इसे जिद नहीं कहेंगे बल्कि इरादे की मजबूती कहेंगे। बाकी ये है कि अच्छाई की राह पर चलते हुए अच्छे बुरे हालात बनते रहते हैं, लिहाजा उसके लिए अल्लाह ताला ने सूरह अल बकरा की आयत नंबर 214 में हमें इस तरह से रहनुमाई दी। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपनी मदद का जिक्र भी किया है, लिहाजा दुआ या अल्लाह ताला की मदद के हवाले से मजीद तफसील जानने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अच्छाई और बुराई में फ़र्क कैसे किया जाए। तो पहली बात तो ये कि ये कोई ऐसा फ़र्क नहीं है जो किसी को बच्चों की तरह बिठा के समझाया जाए, बल्कि हर इंसान ये फ़र्क जानता है। अब इस राह पर चलना कैसे है तो उसके लिए अल्लाह ताला ने सूरह अल बकरा की आयत नंबर 186 में हमें भरपूर रहनुमाई दी है, यानी ये कम्युनिकेशन का एक बेहतरीन जरिया है जिसकी वजह से अल्लाह ताला अपने हर बंदे से हर वक्त राब्ते में है, जिसे हम उर्फ आम में वही गैर मतलू या फिर मोनोलॉग कहते हैं। वही मतलू और गैर मतलू में फ़र्क जानने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। और इसी तरह कुरान में अल्लाह ताला ने अपनी दीगर सिफात का भी तस्करा किया है जो हमारे अंदर भी मौजूद हैं, लिहाजा हम जब भी कुरान पढ़ें तो मतन में रहते हुए हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि आयत के आखिर में अल्लाह ताला अपनी कौन सी सिफत का तस्करा कर रहा है, और फिर हम अपनी ज़ात में मौजूद उस सिफत की बुनियाद पर अपनी ही ज़ात को परखें और खुशनास बनते चले जाएँ। और ज़माने का असूल है कि जो खुशनास है वही ज़माना शनास है, और यूँ हम बिला आखिर अल्लाह ताला के
रंग में रंगते चले जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अपनी ईमान की मंजिलों को बुलंद करते हुए हम किस हद तक जा सकते हैं, लिहाजा इस सवाल का जवाब हम अपने अगले खिताब में जानेंगे जिसका मौजू होगा कौन से असहाब नबी थे और कौन से असहाब नबूवत से सिर्फ एक दर्जा नीचे रहे लेकिन नबी ना थे, अलबत्ता जय्यद मोमिनीन ज़रूर थे। उस वक्त तक आप सब पर सलामती हो।